गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों से मैं माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि काफी दिनों से मेरी कोई भी वीडियो नहीं आ पा रही है। उसका रीजन ये है कि काफी दिनों से मैं बहुत ज्यादा बिजी थी, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफी चाहती हूँ। सो गाइज, आज मैं जा रही हूँ किलकारी भैरव मंदिर, जो कि दिल्ली में पड़ता है। और ये मंदिर 5000 साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर की काफी ज्यादा मान्यता है। सो आज मैं वहां पे जा रही हूँ, क्योंकि आज है भैरव अष्टमी और मेरे हस्बैंड भैरव अष्टमी का फास्ट रखते हैं, तो मैं उनके साथ वहां पे जा रही हूँ मंदिर के दर्शन करने, क्योंकि मैंने काफी सुना है वो मंदिर बहुत ही ज्यादा अच्छा मंदिर है और उस मंदिर की काफी ज्यादा मान्यता है। तो चलिए, आप लोग भी मेरे साथ किलकारी भैरव मंदिर के दर्शन कर लीजिए और देखिए आप लोग कैसा वो मंदिर दिखता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किलकारी भैरव मंदिर की मान्यता क्यों काफी ज्यादा है। गाइस, किलकारी भैरव मंदिर भगवान शिव के पंचम अवतार भैरव को समर्पित है और ये मंदिर महाभारत कालीन से है, जिसे भीम द्वारा स्थापित किया गया। गाइस, ये मंदिर दिल्ली के प्रगति मैदान के आगे पुराने किले, जहाँ की पांडवों का किला कहा जाता है, उसके पास स्थित है। इस मंदिर में पर्यटक लोग बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। पूरे साल भर हजारों लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। रविवार के दिन भैरव का विशेष दिन माना जाता है और इस दिन भक्तों की यहाँ पे अपार भीड़ रहती है, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पे भक्तों की होती है। तो इस मंदिर की कहानी क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। युधिष्ठिर ने कौरवों से युद्ध जीतने के बाद यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना करनी चाही, और जब भी वो स्थापना करते थे तो वहाँ पे दानवीय शक्तियाँ यानी कि भूत प्रेत आकर विघ्न डाल देते थे। ऐसे में पांडव लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए और वो भगवान श्री कृष्ण के पास गए, उनसे पूछा कि वो क्या करे जिससे उनकी पूजा में विघ्न न आए। तब भगवान कृष्ण जी ने उन्हें कहा कि उन्हें काशी के कोतवाल भैरव नाथ की सहायता लेनी चाहिए, वो उनकी इस समस्या को दूर करेंगे। कृष्ण जी के ऐसे बोलने के बाद पांडवों ने भीम को काशी के कोतवाल भैरवनाथ को बुलाने के लिए भेजा। तो भीम जब भैरवनाथ जी को लेने गए तो भीम ने भैरवनाथ जी को सारी घटना बताई कि उनके साथ क्या हो रहा था और उन्हें उनकी सहायता की जरूरत है। उसके बाद भैरवनाथ जी ने उन्हें कहा, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ चल लेता हूँ। तो वो भीम के कंधे पे बैठ गए। कंधे पे बैठने से पहले उन्होंने भीम को ये बोल दिया था कि जहाँ पे भी भीम उन्हें अपने कंधे से उतार के कहीं पे बैठा देंगे तो वो वहाँ से खड़े नहीं होंगे। तो भीम भैरवनाथ जी को कहते हैं, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। तो काफी आगे आके यानी कि दिल्ली में जहाँ पे ये भैरव किलकारी मंदिर है, इसी जगह पर किसी भ्रमवश से भीम ने भैरव जी को उतार दिया। कुछ देर बाद वो वापस आए और कहा कि चलो भैरव जी मेरे कंधे पर बैठो, फिर हम लोग चलते हैं। लेकिन तब भैरव जी ने आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं इसी जगह पर रहूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जहाँ पे भी तुम मुझे उतार दोगे, बैठा दोगे, मैं वहीं पे स्थित हो जाऊंगा। उसके बाद भीम जी ने भैरव जी से कहा, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, लेकिन आपको हमारी सहायता करनी होगी। हम जब भी यज्ञ करते हैं दानवीय शक्तियाँ हमारे यज्ञ को नष्ट कर देती हैं। तब भैरव जी ने भीम को कहा कि तुम लोग जब भी मुझे हस्तिनापुर में सच्चे मन से याद करोगे तो मैं तुम्हारी सहायता के लिए आ जाऊंगा। तो अगली बार जब पांडवों ने यज्ञ करी तो दानव शक्तियां आई, लेकिन भगवान भैरवनाथ ने जहाँ पे भगवान भैरवनाथ स्थापित हो चुके थे यानी कि किलकारी मंदिर से किलकारियां मारी और वो दानव शक्तियां उसी यज्ञ में नष्ट हो गई और खत्म हो गई। यज्ञ पूरा होने के बाद पांडवों ने यहाँ आकर भैरव का पूजन किया और आज जन जन इस मंदिर में पूजा करने आते हैं। तो गाइज, यही थी इस मंदिर की कहानी और इस मंदिर की मान्यता, इसीलिए काफी लोग इस मंदिर को मानते हैं। यहाँ पे बोला जाता है जो भी सच्चे मन से कुछ भी मांगता है उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो अगर आप लोग भी यहाँ पे जाना चाहते हैं तो आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पे हर दिन श्रद्धालुओं की सेवा होती है, यहाँ पे हर दिन लंगर का आयोजन किया जाता है और ये मंदिर बहुत ही ज्यादा अच्छा मंदिर है। तो गाइस, आप लोगों ने मंदिर की कहानी तो सुन ही ली है और मेरा सफर भी कट गया है ऐसे। तो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मंदिर कैसा है। तो गाइस, हम लोग किलकारी भैरव मंदिर में आ चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं ये मंदिर ऐसा दिखता है बाहर से। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, श्री किलकारी बाबा भैरवनाथ जी पांडवों कालीन मंदिर।
आप लोग देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे इन्होंने पूजा के लिए माला बूंदी रखी हुई है। आप लोगों को 51 रुपए में ये थाली मिल जाती है। और साथ में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बूंदी भी बनाई जाती है, जो कि भगवान जी को भोग लगाया जाता है, यहाँ पे बन रही है। और गाइज ये है इस मंदिर का प्रवेश द्वार, यहाँ से होके जाना पड़ता है अंदर। गाइज मैं आप लोगों को मंदिर के अंदर का नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने हमें पहले ही मना कर लिया था कि हम वहाँ पे शूट नहीं कर सकते हैं, तो मैं शूट नहीं कर पाई। तो गाइज अभी आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं उन्हें प्रसाद दिया जाता है, हर दिन यहाँ पे प्रसाद वितरित होता है। तो मैं भी यहाँ पे प्रसाद ले रही हूँ। छोले कुलचे इन्होंने बनाए थे और मेरे हस्बैंड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनका फास्ट था तो उन्होंने नहीं लिया। तो गाइज अब हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ पे देखिए गाइस, आप लोग, मैं गाड़ी के ऊपर मोबाइल रख रही थी कि शायद से शूट हो जाए, लेकिन मेरा फोन नीचे गिर गया। अब हम आ चुके हैं गुड़गांव में और मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग चुकी थी, क्योंकि मैंने अभी सुबह से बिल्कुल नाश्ता नहीं किया था, तो वहीं पे थोड़ा बहुत खाया मैंने छोले कुलचे। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए मंगाया है डोसा, पनीर डोसा मैं यहाँ पे खा रही हूँ, और अपने हस्बैंड को चिढ़ा रही हूँ कि आप भी थोड़ा सा ले लो, क्योंकि मुझे पता था उन्होंने तो खाना है नहीं, उनका फास्ट था। गाइज आप लोग ये मत सोचना कि मैं इतने जल्दी जल्दी खा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने थोड़ा फास्ट किया है वीडियो, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती इसीलिए। सो गाइज ये थी आज की वीडियो मेरी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोग भी गाइज वहाँ पे जाना चाहते हैं बाबा किरकारी भैरव मंदिर में, तो आप लोग जा सकते हैं, बहुत अच्छा मंदिर है। आई होप गाइज वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलती हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून, लव यू ऑल।